नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, हाथों का खुरदरापन दूर करने के विषय में, हाथों का खुरदरापन दूर करने के अचूक उपाय। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारी सभी वीडियो को एक स्थान पर ही देखना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप क्रेजी इंडिया को गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड करके हमारी सभी वीडियो को एक स्थान पर ही देख सकते हैं। अब बात करते हैं हाथों का खुरदरापन दूर करने के अचूक उपाय। वैसे तो सर्दी का मौसम बड़ा ही सुहावना होता है, क्योंकि इस मौसम में बीमारियां बहुत कम उत्पन्न होती हैं, इसलिए हम सबको अच्छा लगता है। लेकिन सर्दी के मौसम में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो होती है हमारे हाथ पाँव का फटना। ठंड होने के कारण हमारे हाथ पाँव फट जाते हैं या खुरदरे होने लग जाते हैं। गर्मी के मौसम में हाथ पाँव नरम रहते हैं तो इस तरह की समस्या का हमें सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन सर्दी के मौसम के आते ही इस तरह की समस्या का हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में हमें अपने हाथ व पाँव की विशेष केयर करनी पड़ती है, जिससे कि वह हमेशा मुलायम रहें और हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आपके हाथों व पैरों की केयर करने के विषय में ही आपको बताएंगे जिन नुस्खों को आजमाकर आप अपने हाथों को कोमल बनाए रखते हैं, मुलायम बनाए रखते हैं और उनको फटने व खुरदरे होने से बचा सकते हैं। पहला, हाथों का खुरदरापन वह झुरियाँ हो तो नींबू के रस में एक चम्मच चीनी मिलाकर हथेलियों को आपस में तब तक रगड़िए जब तक चीनी घुल न जाए। इससे हाथों का खुरदरापन वह झुरियाँ दूर होंगी, साथ ही साथ हमारे हाथ नरम भी होंगे और खुरदरेपन को अब भूल जाएंगे। दूसरा, रात को सोने से पहले एक कटोरी में थोड़ी सी कच्चे दूध की मलाई लें, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस और जरा सी ग्लिसरीन, एक चम्मच गुलाब जल और कुछ बूंदे बादाम रोगन की मिला लें और इस सामग्री को अच्छी तरह से किसी बाउल में डालकर अब मिक्स कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, हाथों को ठीक प्रकार से साफ पानी से धो लें और अब इस मिश्रण को अपने हाथों पर लगाएं। बाद में ग्लिसरीन युक्त साबुन या गुनगुने पानी से धो लें। इससे दोस्तों हाथों में निखार आ जाएगा और हाथों का फटना और खुरदरा होना बिल्कुल गायब हो जाएगा, आपके हाथ हो जाएंगे बिल्कुल कोमल व मुलायम। तीसरा, हाथों को सिरका मिले पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, इससे भी हमें बहुत अधिक लाभ होता है खुरदरा होने व हाथों के फटने के विषय में। गुनगुने पानी में एक नींबू का रस निचोड़कर हाथों को कुछ समय के लिए उसमें डुबोए रखें। इसके बाद उन्हें किसी तौली से ठीक तरह से साफ कर लें, इससे हाथों की सारी मैल धूल साफ हो जाएगी। बाद में किसी भी कोल्ड क्रीम से हाथों पर लगा लें। इस नुस्खे को नियमित रूप से प्रयोग करने से हाथों का खुरदरापन बिल्कुल दूर हो जाएगा और आपके हाथ हो जाएंगे बिल्कुल मुलायम व चमकदार। फोर्थ, जौ का आटा, जौ के आटे में थोड़ा सा पानी मिला लें और इसे अपने हाथों पर मलने से भी हाथों का खुरदरापन और हाथों का पटना दूर हो जाता है और हाथ हो जाते हैं बिल्कुल मुलायम। फिफ्थ, कच्चे आलू के रस से हाथों पर मालिश करने से भी हाथ मुलायम होते हैं और हाथों का खुरदरापन दूर होता है, हाथों के पटने की समस्या दूर हो जाती है और आपके हाथ हो जाते हैं बिल्कुल मुलायम। तो दोस्तों, अगर आप भी हाथों के खुरदरापन या फटने की समस्या से परेशान हैं तो आप इन नुस्खों का उपयोग करके अपने लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, समाज हित में आप इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो मेरे भाई हाथों के फटने या खुरदरेपन से या मुलायम ना होने से परेशान हैं, ताकि वह इस वीडियो को देखकर या इस वीडियो से जानकारी प्राप्त करके अपने लिए फ़ायदा उठा सकें और अपने हाथों को बना सकते हैं मुलायम, वो भी बिल्कुल सिंपल से नुस्खों का प्रयोग करके। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो हाथों का खुरदरापन दूर करने के अचूक उपाय। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे
या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिनसे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में ऊपर जो आई बटन दिया हुआ है आप उसके ऊपर क्लिक करके इससे रिलेटेड और भी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे सभी वीडियो को एक स्थान पर ही देखना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप क्रेजी इंडिया को गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड करके भी हमारी सभी वीडियो को एक स्थान पर ही देख सकते हैं और अपने लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।